हमारे पास तो एक ऑप्शन था इस देश को छोड़ के जाने का, लेकिन इस मुल्क को सेकुलर यहाँ के दलितों ने, यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के पिछड़ों ने बनाया है, आपने नहीं बनाया मोदी जी। मैं एएमयू से मशकूर अहमद जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, वो आके अपनी बात रखे। एएमयू से मशकूर अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप तमाम लोग को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा। उसूलों पे जो आ चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे जो आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यहां पर मौजूद तमाम लोग, आपकी मौजूदगी ये दर्ज कराती है कि आप एक अमन पसंद मुल्क चाहते हैं, आप एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जो गांधी की विचारधारा से चलने वाला मुल्क हो। आप उस मुल्क को नकारते हैं जो गोडसे की विचारधारा से चलाने की कोशिश की जा रही है। आप तमाम लोगों की मौजूदगी ये बताती है कि 1947 में जो डिमांड थी कि एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, तो जिन लोगों को इस्लामिक राष्ट्र चाहिए था वो लोग पाकिस्तान चले गए, तो आज 2019 में मुंबई की इस पाक धरती से मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कि 1947 में जिनको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए, और 2019 में जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो चिन्मयानंद के कलीसिया चला जाए। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हम भारत के लोग इसीलिए यहाँ है क्योंकि हमें इस मुल्क के सेकुलर इथोस से प्यार है, इस मुल्क के सेकुलर इथोस से मोहब्बत है। हम एक थाली में खाना खाते हैं और एक गिलास में पानी पीते हैं। कुछ लोग इस लड़ाई को कोमल रंग देने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी असर्ट मत कीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में जिस तरह से छात्रों के ऊपर पुलिस ने ब्रुटलिटी की, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग इसको लाठी अटैक कह रहे थे, लेकिन दोस्तों ये लाठी अटैक था। और जो ये लाठी अटैक हुआ, ये सिर्फ लाठी अटैक नहीं था, कमरों में घुसकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और आरएएफ और पीएससी के लोग इस कदर यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर फायरिंग करते हैं, ऐसा लग रहा हो सरहद पर लड़ रहे हो। और जब मैं आपसे ये कहता हूं कि सरहद पर लड़ रहे हो, तो यकीन मानिए वो सरहद पर लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन्हीं यूनिवर्सिटी से यह आवाज उठती है कि जॉब कहाँ है, इकोनॉमिक व्यवस्था देश की नीचे गिरती जा रही है, यह सवाल इन्हीं यूनिवर्सिटी से होता है, और मौजूदा सरकार के लिए यह सरहद पर लड़ने जैसी लड़ाई है, इसीलिए वो हमें और आपको दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बेरोजगारी पर सवाल ना करें, क्योंकि जब आप बेरोजगारी पर सवाल करते हैं तो आप बोलते हैं मोदी जी आपने 2 करोड़ नौकरियों को वादा किया था हर साल, वो कहां गए। जब आप गिरती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करते हैं तो आपको यह कहा जाता है अपनी नागरिकता दिखा दो। अरे हम तो गांधी और नेहरू के मानने वाले लोग हैं, हमारे पास तो एक ऑप्शन था इस देश को छोड़ के जाने का, लेकिन इस मुल्क को सेकुलर यहाँ के दलितों ने, यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के पिछड़ों ने बनाया है, आपने नहीं बनाया मोदी जी। एक कविता, चूंकि लगातार इस लड़ाई को बताया गया कि एक खास धर्म की लड़ाई है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक छात्र ने 28 पंक्तियों की कविता लिखी, उसमें 4 पंक्ति मैं कहता हूं, और बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि यह लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है, साथ ही साथ ये लड़ाई इस देश में मुसलमानों को भी बचाने की है, दलितों को भी बचाने की और पिछड़ों को भी बचाने की है। और उसकी 4 लाइन पढ़ूंगा जो उसने लिखा जिस रात ये बर्बरता हुई, उसने ये लिखा
हाँ मैं मुसलमान हूं, हाँ मैं मुसलमान हूं और धर्मों की तरह मैं भी इंसान हूं। ऐ हिंदुस्तान के लोगों, हाँ मैं मुसलमान हूं। वो ये लिखने को मजबूर हो गया। आप ये सोचिए कि आजादी के 72 साल बाद किस तरह से सीए के कानून को लाकर टारगेटिंग की गई। ये क्लियर कट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सरजमी पे खड़ा हूं और यहां से कहता हूं, जो संविधान बाबा साहब ने दिया वो सबको बराबरी का अधिकार देता है और उसी संविधान को बचाने की लड़ाई है। और जो लोग इसको कमल रंग देने की सोच रहे हैं उनको एक मैसेज दीजिएगा कि आप कुछ भी चाह लीजिए कि इस देश को तोड़ दिया जाए या इस देश के संविधान को बदल दिया जाए, तो हम वो नहीं होने देंगे। इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े लोग, इस देश की अकलियत रोडों पर खड़े हो गए, सड़कों पर निकल कर जब संसद आवारा होती है तो उससे सवाल करते हैं और संसद को आवारा नहीं होने देते। हमारा वही कर रहे हैं, क्योंकि संसद में हमारी संख्या कम तो है, लेकिन जो अगस्त क्रांति मैदान के अंदर आपने 19 तारीख को दिखाया और जो आज आप आजाद मैदान के अंदर दिखा रहे हैं, वो ये बता रहा है कि मोदी जी अगर संसद आवारा हुई तो सड़कें सुनसान नहीं रहेगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो मैं बस इतना कहूंगा कि ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि आपने सुना होगा कि ये लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि संविधान की पुस्तक जो रखी गई है उसको हटा के कोई और लाया जाए। ये पहली सीढ़ी है, आप समझिए, ये पहली सीढ़ी है देश के संविधान को बदलने की। अगली सीढ़ी जो होगी ना, वो रिजर्वेशन पे वॉर करेंगे। तो आप समझिए, ये लड़ाई सब लोगों की लड़ाई है। ये लड़ाई उस संविधान को बचाने की लड़ाई है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। और ये जो काला कानून लेके आए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में जिनके नाम पे, भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। रामलीला मैदान में देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, एनआरसी चर्चा ही नहीं हुई, आज तक बात ही नहीं किया, और इनका होम मिनिस्टर संसद के पटल में ऑन रिकॉर्ड है कि सीए के बाद एनआरसी लागू करेंगे। अब दो सवाल आप लोग पूछिए, जहां भी मीडिया में जाइए दो सवाल पूछिए कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कभी बातचीत करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में कोई ना कोई एक आदमी एब्सेंट जरूर रहता है, या तो मोदी जी नहीं बात करते गृह मंत्री से, या अमित शाह नहीं बात करते प्रधानमंत्री से। तो इसका क्लेरिफिकेशन मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसद के पटल पर जो बात कही गई उस बात को प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में आके पूरे देश के सामने कहते हैं कि इस पर चर्चा नहीं हुई। और ये जो चोर दरवाजे से एनआरसी के नाम पर जो एनपीआर लाने की कोशिश की जा रही है, वरुण भाई ने कहा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो एनआरसी के लिए नहीं है, वो एनपीआर के लिए भी है। अहद लीजिए कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथी।